सपा प्रमुख अखिलेश यादव और तेलंगाना के सीएम केसी राव के बीच बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों नेताओं के बीच लंच डिप्लोमेसी पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। ढाई घंटे से ज्यादा दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। तीसरे मोर्चे को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ बीजेपी शासित राज्यों को भी घेरने पर रणनीति तैयार की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज अखिलेश यादव दिल्ली के दौरे पर, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ उनकी ढाई घंटे तक वार्तालाप हुआ है, बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले नए मोर्चे की क्या ये आहट है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के घर से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीर, तकरीबन दो घंटे से ऊपर की ये बैठक केसीआर के साथ उनकी चली। दिल्ली दौरे पर आए थे और बिना किसी से बातचीत किए अब वो यहाँ से निकल गए हैं। तकरीबन अगर बात करें तो पौने एक बजे के करीब केसीआर के घर पे आए थे अखिलेश यादव और यहीं पर उन्होंने लंच किया और लंच करने के साथ साथ तमाम राजनीतिक मसलों को लेकर के बातचीत हुई। खासतौर से अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव जो कि जुलाई में होने हैं उसको लेकर के बातचीत हुई। इसके अलावा विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई कि कैसे तमाम तरह राज्यों के जो विपक्ष हैं वो एकजुट होकर केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसको घेरने का काम करें। और इसी मसले पर अगर बात करें तो केसीआर से यहां उनकी मुलाकात हुई है, जो कि अगर बात करें तो केसीआर के घर पर हुई है, जो दिल्ली में उनका आधिकारिक आवास है 23 तुगलक रोड, वहां पे हुई है। अखिलेश यादव आज लखनऊ में अपने तमाम सारे कार्यक्रम को रद्द करके सीधे दिल्ली आए और दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे केसीआर जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उनके घर। आगे बढ़ेंगे। सपा ने रुबीना खानम को हटाया है, अलीगढ़ महिला सभा की अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मैंने राष्ट्रपति की बात की तो सपा का असली चेहरा सामने आया। रुबीना खानम ने कहा, जो पार्टी राष्ट्रहित की नहीं ऐसी पार्टी को प्राथमिक सदस्यता से मैं खुद इस्तीफा देती हूं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ महिला सभा की अध्यक्ष पद से रुबीना खानम को हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, अलीगढ़ महिला सभा की अध्यक्ष पद से इन्हें हटाया गया है, जिस पर रुबीना खानम का कहना है, मैंने राष्ट्रहित की बात की तो सपा का असली चेहरा सामने आया। जो पार्टी राष्ट्रहित को नहीं देखती ऐसी पार्टी की सदस्यता से मैं खुद इस्तीफा देती हूं, रुबीना खानम ने ये कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रुबीना खानम का रिएक्शन भी इसके बाद सामने आ गया है, जिन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रहित की बात करती हूं और राष्ट्रहित की बात करने के बावजूद भी अगर मेरी बात को सही नहीं समझा जाता तो ऐसी पार्टी की सदस्यता से मैं खुद ही इस्तीफा देती हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि पार्टी आपको आपकी अनुशासनहीनता को देखते हुए पद मुक्त करती है, यानी कि पार्टी ने मुझे मेरी अनुशासनहीनता के लिए पद मुक्त किया है। समझने की बात इसमें यह है कि राष्ट्रहित की बात करना, सभी समुदायों की बात करना, पूरे देश की बात करना, सच और इंसाफ की बात करना, मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की बात करना, उनके धर्म का सम्मान करना, उनकी धार्मिक भावनाओं की, उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए इस देश की बात करना, अब क्या ये अनुशासनहीनता कब से होने लगा? मुझे बड़ी हैरानी है इस बात कर की कि उन्होंने मुझे पदमुक्त सिर्फ इसलिए किया है कि मैंने अनुशासनहीनता की है। तो ऐसी अनुशासनहीनता तो मैं बार बार करना चाहूंगी, तो जाहिर सी बात है मैं समाजवादी पार्टी में रहने का फिर मेरा कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी मुझे रखेगी ही नहीं। आज पद से निकाला है, कल मुझे पार्टी से निकालेगी, तो ऐसी पार्टी में तो मैं खुद नहीं रहना चाहती जहां मैं सच नहीं बोल सकती, जहां मैं अपने हिंदू भाइयों की बात नहीं कर सकती। तो रुबीना खानम को आपने सुना, उनका कहना है कि अगर इसको अनुशासनहीनता कहते हैं, दरअसल उनका एक बयान सामने आया था ज्ञानवापी को लेकर, हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने बात की थी, जिसके बाद उनकी खूब किरकिरी हुई और आज ये फैसला आया। अब उसके बाद रुबीना खानम का ये कहना है कि ऐसी पार्टी से तो मैं खुद ही इस्तीफा देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। मेरठ में 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज किया गया है। मेरठ में अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई चारों जोन में हो रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 100 से ज्यादा अवैध निर्माण की पहचान की है। देखिए उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 25 अवैध कॉलोनियों को गिराने का काम किया गया है। आपको बता दें 100 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है। बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से। 25 कॉलोनियों में जहां पर अवैध निर्माण था उसे जमींदोज किया गया है, हटाया गया है। मेरठ में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है।
मेरठ में आज चार जोन में इसी तरीके से जो निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी है वहां पर जो बाबा का बुलडोजर है वो ग्रस्ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक मेरठ में 10 से ज्यादा जो अवैध कॉलोनियां हैं वो यहां पर ढा दी गई हैं। जो बाउंड्री वॉल की गई थी उस बाउंड्री वॉल को जो बुलडोजर है वो यहां ढहाने का काम कर रहा है। कई अवैध कॉलोनियों पर ये बुलडोजर इसी तरीके से ग्रस्ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण की सूचना मिलने के बाद जब मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने नोटिस दिए तो इन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं रोका और यहां पर जो कॉलोनी है वहां पर प्लॉटिंग करने का भी काम कर दिया। लेकिन आज देखिए कि साइट ऑफिस और बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद यहां देखिए कि किस तरीके से जो ये रास्ता बनाने का काम यहां पर किया जा रहा था उसको यहां पर रास्ते को खुर्द बुर्द करने का जो काम है वो ये मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ये देखिए मेरठ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खुद बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी पूरी वीडियोग्राफी करके जो मेरठ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी हैं उनको बाकायदा भेजी जा रही है और वो इसको यहाँ से सीधा जो लखनऊ है लखनऊ भेजने का काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि जो यहाँ कॉलोनी है उसका जो मेन रास्ता यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा था अब उसको यहाँ खुर्द बुर्द किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो यहाँ जेई हैं इस जोन के मनीष सिसोदिया जी वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मनीष जी आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आज अवैध कॉलोनियों का एक बड़ा आपकी तरफ से अभियान शुरू किया गया है। ये सभी अनऑथराइज कॉलोनी हैं जिनके खिलाफ प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नोटिस दे करके ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए हैं और ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के उपरांत ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी कॉलोनी अभी तक इस इलाके में इससे पूर्व भी हमने कॉलोनी चार पांच कॉलोनी ढाई हैं और आज भी इस जोन में 7 कॉलोनी ढाने का काम चल रहा है। करीब 100 से ज्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं जिन पर भविष्य में भी बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ।